दतिया में चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन पर दिन बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं, पुलिस प्रशासन अपराधों को रोकने में असफल। मध्य प्रदेश का दतिया इन दिनों लगातार हो रही चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर सुर्खियों में है। बीती रात चोरों ने 5 दुकानों के ताले चटकाकर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि दतिया पुलिस अधीक्षक बंगले से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित इन दुकानों के ताले चोरों ने तोड़े। एक चौंकाने वाली महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन दुकानों के ताले रात को तोड़े गए उन दुकानों के पिछवाड़े दुकानों से सटे जिला न्यायाधीशों के सरकारी बंगले हैं। चोरों ने सिविल लाइन थाना इलाके को चोरी के लिए चुना तो चोरों ने स्थानीय बस स्टैंड इलाके में भी मोबाइल की एक बड़ी दुकान पर अपना हाथ साफ किया। कांग्रेस के बड़े नेता चोरी की बढ़ती वारदात को लेकर खासे परेशान है तो वहीं व्यापारियों और आम जनता में भय व्याप्त है। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। रुके दें, सत्ता जाओ। तुम जो कहलवा रहे हो, जो कहते हो। थोड़ा अभी दूर से बता। ये भी स्थिति दी है कि वहाँ जहाँ कहीं भी आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी जद में वो दुकानें आ रही हैं उनको फुटेज निकलवा, ऐसे हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। क्योंकि एक बड़ी घटना है, भले ही छोटी चोरी है लेकिन बगल में न्यायाधीशों के बंगले बने हुए हैं, वहाँ पूरा स्टाफ रहता है। जी जी बिल्कुल, चुनौती तो है, कितना छोटी हो चाहे बड़ी हो घटना तो घटना है। पूर्ण प्रयास करेंगे हम निकालने का, अंडर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। ये राजीव गांगी बहुत दुखद घटनाएं हैं जो चोरियां हो रही हैं। निश्चित रूप से इस पे हम लोग प्रशासन एसपी से मिलके इस पे चर्चा करेंगे और ये चोरियां रुकें। क्या कारण है कि ये चोरियां हो रही हैं इस पे हम लोग ध्यान देंगे। आए दिन निरंतर चोरी, अपन इसको एसपी से मिलके इसको देखेंगे कि क्यों चोरियां हो रही हैं। एसपी साहब अभी हमारे नए एसपी आए हैं और निश्चित रूप से वो इन सब मामलों में चाहे यातायात हो चाहे चोरियों में सक्रिय हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। चले गए और करीब 3000 चीज रखे थे, 10-10 के नोट और 3000 की सिगरेटें की डब्बियाँ चली गई, 4 दुकानों। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी पुलिस को? हाँ दे दी, 2 घंटे पहले दे दिए, पुलिस नहीं आई। नहीं आई चलेगा सर, 5 टच मोबाइल और एक चश्मे बेल्ट वगैरह रिपेयरिंग का सामान और 8 GB कार्ड मेमोरी कार्ड चीज सब चले गए हैं। हमारी दुकान में चोरी हो या बगल वाले की हट्टी की दुकान में चोरी हुई है, नकदी नहीं गए, 100-150 रुपये डले थे गल्लक में, 10-10 खुल्ले बस भी गए। जब बाजारू कीमत है कम से कम 30,000 रुपये 5 मोबाइल होंगे हमारे।